नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। SSC GD के जनरल अवेयरनेस की सीरीज की आज 8वीं क्लास है, तो हम आइए आज के प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हमारे विकल्प हैं हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी हृदय। ECG का प्रयोग हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मेडिकल टेस्ट है जो हृदय द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत गतिविधि को मापते हुए हृदय संबंधी असामान्यता का पता लगाता है। मरीज की ECG रिकॉर्ड करने वाली मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। एक ECG आपके हृदय की विद्युत गतिविधि को आराम से रिकॉर्ड करता है। यह आपके हृदय की दर और लय के बारे में जानकारी प्रदान करता है और दर्शाता है कि उच्च रक्तचाप या पिछले हृदयघात के साक्ष्य के कारण हृदय आकार में बड़ा हुआ है या नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के उत्पादन की प्रक्रिया है। यह त्वचा पर लगाए गए इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हृदय की विद्युत गतिविधि के समय बनाम वोल्टेज का एक ग्राफ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो इसमें हमारा विकल्प है विटामिन B, विटामिन B2 होगा यहाँ पे, विटामिन B12, विटामिन D और विटामिन A। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेन, एथोनॉल, ईथर या क्लोरोपिक्रीन। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस का एक घटक होता है। क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक सूत्र CCl3NO2 होता है। यह एक जहरीली रसायन है। क्लोरोपिक्रीन अश्रुशावक है और त्वचा तथा श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है। 3 से 30 सेकंड तक 0.3 से 0.37 ppm क्लोरोपिक्रीन के संपर्क में आने से अश्रुशाव तथा आंखों में दर्द होने लगता है। प्रबल अश्रुशावक होने के कारण क्लोरोपिक्रीन का प्रयोग अश्रु गैस के रूप में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? इसमें हमारा विकल्प है ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेड वेंचर्स, ट्रेड पार्टनर्स या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। देशों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देशों के समूहों के साथ सामूहिक व्यापार करके उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जो तुलनात्मक रूप से सस्ती होगी तथा उन वस्तुओं का आयात करेगा जो तुलनात्मक रूप से उसके देश में महंगी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 4, भाग 3 या भाग 5। तो इसका विकल्प बी सही होगा, यानी राजनीति के निदेशक सिद्धांत भाग 4 से संबंधित है। संविधान के भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से है, जो हमने आयरलैंड से लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? हमारे विकल्प हैं 10, 11, 12 या 14। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी भारतीय नागरिक के कुल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? हमारे विकल्प हैं केप टाउन, जोहान्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया। जिसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में महात्मा गांधी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा गया था और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के
पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां जातिवाद यानी रेसिज्म का सामना किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल आते हैं। मूंगफली की फसल खरीफ तथा रबी दोनों मौसमों में होती है। कुल पैदावार में खरीफ मौसम का हिस्सा 75% से अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या आंध्र प्रदेश? इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सतारा जिले में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत सतारा जिले में एक भूमिगत विद्युत गृह की स्थापना की गई है। इसमें 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? हमारे विकल्प है वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या माधवाचार्य। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड क्लाइव? इसमें हमारे विकल्प सी सही है, यानी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने? इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में एक है श्री हर मंदिर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर है। अमृतसर एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यह सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजकुमार या भानु अथैया? इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। भारतीय सिनेमा में मशहूर ड्रेस डिजाइनर के रूप में भानु अथैया मानी जाती थी। वह ऐसी पहली भारतीय महिला रही जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। भानु अथैया 5.5 दशक तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं। इस दौरान उन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग को नित नए आयाम दिए। उन्हें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रेस डिजाइनर का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके, मार्गरेट थ्रेचर, इंदिरा गांधी या खालिदा जिया? इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी श्री माओ भंडार नायके विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और आधुनिक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता थी। साल 1960 में वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा, यानी राजस्थान भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, भारत का पंजाब, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी पंजाब है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 70% है। राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? जिसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडरों के रूप में ही यह अवशेष बचा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या दिल्ली में? इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी कर्नाटक। गोल गुंबज या गोल गुंबद फारसी बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? कुशीनारा, कुंडग्राम, राजगृह या काशी? इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? किडनी, हृदय, यकृत या इनमें से कोई नहीं? इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्यों में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्सों में डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, हृदय, किडनी या फेफड़े को? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, क्षय रोग जिसे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों में फैलता है पर ये शरीर के अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है। टीबी संक्रमण संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या सांस से फैलता है। यह एक गंभीर रोग है लेकिन उचित उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? मूल्य वर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि या व्यय विधि? इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी मूल्य वर्धित विधि। श्रम प्रधान तकनीकी चुनी जाएगी। श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्था में या विकासशील अर्थव्यवस्था में? इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी श्रम प्रधान तकनीकी पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में चुनी जाएगी। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।